ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी खास चुनावी पेशकश 23 में प्रदेश 24 में देश देख रहे हैं आप। और अब खास मुलाकात सेगमेंट में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई जी। विश्नोई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 के इस खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। विश्नोई जी, करीब 50 साल से ज्यादा का आपका सियासत का अनुभव है और जितना हम जान पाए हैं, देख पाए हैं, आप उन चुनिंदा सियासतदानों में शुमार हैं जो बेबाकी से सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूं कहें कि बार बार अपनी ही सरकार को घेरना कहीं ना कहीं पार्टी की मुसीबत भी बढ़ रही है। लगातार आपकी इस तरह की चीजें बयान आते हैं, क्या वजह माने सर इसको? देखिए, पार्टी के विरोध में जाने की हिम्मत कोई भी कार्यकर्ता नहीं कर सकता, अजय विश्नोई भी नहीं कर सकता जी। और मैं कभी पार्टी के विरोध में गया नहीं, सिर्फ इतना है बेबाकी के साथ से जैसा आपने कहा गलत को गलत कह देना, तो गलत को गलत कहने से लाभ ही होता है पार्टी को भी और सरकार को भी। क्योंकि यदि हमको लगता है कुछ चीज गलत हो रही है धरातल पे, जो जानकारी में नहीं आ रही है ऊपर के नेताओं की या सरकार की नजर में नहीं आ रही है, तो मेरी अपनी ड्यूटी बनती है कि वो जानकारी उन तक पहुंचा दूं। मैं वो लगातार पहुंचाता रहता हूं, कई बार उनमें से कुछ चीजें वायरल हो जाती है, उसके कारण ये थोड़ा सा हंगामा हो जाता है। पर हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सच्चाई से ऊपर के नेताओं को अवगत कराता रहूं और उनमें सुधार होता रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो भविष्य की संभावनाएं हैं उसमें वो किसी भी प्रकार से धूमिल ना होने पाए जी। लेकिन इन सबके बीच जो कयास होते हैं या जो बातें होती निकल के आती हैं, अपनी ही सरकार के खिलाफ आपका विरोध, कभी आपके ट्वीट्स के जरिए तो कभी आपके बयानों के जरिए या सीएम को लिखे आपके पत्रों के जरिए भी निकल के सामने आता रहा है, तो क्या इसको इस नाराजगी के रूप में देखा जाए कि मंत्रिमंडल में आपको शामिल नहीं किया गया है इसलिए इस तरह की नाराजगी सामने आती है? देखिए, नाराजगी क्या करेंगे और कैसे होंगे, नाराजगी यदि उनका अधिकार है मंत्रिमंडल में ले न ले, मेरी नाराजगी निश्चित रूप से रहती सरकार से भी और पार्टी से भी कि मेरे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। यदि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती और मुझको वो नहीं लेते, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि 2020 में जिस तरीके की सरकार बनी है उसमें बहुत सी मजबूरियां थी सरकार की भी और पार्टी की भी, जिसके कारण हम जैसे लोग पीछे छूट गए, इसलिए उसको नाराजगी नहीं मजबूरी समझ के हमने स्वीकार कर लिया। अच्छा, आपने जिस तरह के कई बार मुद्दे उठाए हैं जिसमें बड़ी बेबाकी से, जैसा मैंने जिक्र किया, आप अपनी बात रखते भी रहे हैं कि बिजली बिलों की मनमानी का मसला हो या फिर मेंटेनेंस का ना होना हो या ट्रांसफार्मर खराबी का के विषय भी लगातार आप उठाते रहे हैं, कई बार आप सीएम को चिट्ठी भी लिखते रहे हैं, क्या ये जो मुद्दे हैं जिसको लगातार आप उठा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि चिंता के विषय है, इसको किस तरह से लेने की जरूरत है? क्या 2023 में सरकार के सामने चुनौतियों के रूप में ये मुद्दे आ सकते हैं? आप इसको किस तरह से व्याख्या करेंगे? 2023 के चुनाव की पहले की चुनौतियां, यदि हम उसको समय पे उनको सावधान कर देंगे और समय पे सरकार उस पर कुछ निर्णय ले लेगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सहूलियत जाएगी। आज भी मैं अभी मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया हूँ, जो मेरे समझ में आ रहा है कि जहां कुछ सुधार होना चाहिए या जहां कुछ नई चीजें अपनाई जा सकती हैं उनको देख के आया हूँ, पर वो चीजें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ये करता रहता हूँ। कभी कभी कोई बातें निकल के ऐसी सामने आ गई जिसके कारण लोगों ने मुझको वो तमगा दे दिया, पर वो तमगा मिले थे भी मेरे को कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वाकई में मेरा सारा कुछ जो प्रयास है वो सरकार को और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का है, उनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती खड़े करने का मेरा कभी इरादा नहीं रहा जी। लेकिन जिस तरह से एक मैसेज देने की कोशिश होती है, इससे पहले आप सरकार में रहे, आप कैबिनेट में शामिल रहे, कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी भी आपने संभाली, तब आपने इस तरह का विरोध नहीं किया, लेकिन जब आप मंत्री नहीं बनाए गए हैं तो आपकी नाराजगी इस रूप में सामने आती है, ये बातें कही जाती हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बहुत ठीक कहा आपने, जिस समय हम सरकार में रहते हैं तो हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म रहता है, उस समय यदि हमको कोई सकारात्मक सुझाव देना है या कहीं कोई दिशा गलत जा रही है और उसको टोकना है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म रहता है, कैबिनेट का प्लेटफॉर्म रहता है, हम लगातार उस पर बैठते रहते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर भी मैं अपने विषय को खुल के बातचीत करता रहता था, न सिर्फ वो विभाग जो मेरे को दिए गए थे पर मैं किसी भी विभाग पर कभी भी जो है ध्यान आकर्षित करता था, पूरे कैबिनेट का ध्यान आकर्षित करता था, मेरी इस बात को सारे लोग जानते थे और मानते थे, परंतु आज की तारीख में चूंकि मैं उस प्लेटफॉर्म से दूर हूं तो इसलिए फिर मेरी मजबूरी रहती है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर बात करूं, या कभी मिल नहीं पा रहा हूं तो पत्र के माध्यम से उनको जानकारी दूं। पत्र कभी कभी धोखे से वायरल हो गए तो वो वायरल पत्रों के कारण ऐसा वातावरण बना है। शराबबंदी के मोर्चे पर आपने उमा भारती जी के साथ में नजर आए, उनके जो बातें हो रही हैं, जिस तरह से लगातार वो एक मुहिम चलाती नजर आ रही हैं, आप उसके साथ खड़े नजर आते हैं। IBC 24 भी आपने पर भी आपने एक बयान दिया था कि गांव-गांव में जो बिक रही शराब है ये भाजपा की मुसीबत बढ़ाएगी अगर इसे रोका नहीं गया तो। ये शराबबंदी का जो मसला है और जिस तरह से उमा भारती जी आगे चल रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे सर?
शराबबंदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी हो जाने के अपने एक अलग दुष्परिणाम होते हैं। उमा जी जो कह रहे हैं वो शराबबंदी की बातचीत कर रहे हैं जी, मैं शिवराज जी के साथ खड़ा हूँ। हाँ। जब शिवराज जी इस बात को कहते हैं कि हमको नशाखोरी के विरोध में खड़े होना है, हाँ। समाज को इस बात के लिए तैयार करना है कि वो नशे की गिरफ्त में ना जाए, हाँ। और नशा फैलाने वालों को और नशा के सौदागरों के खिलाफ सरकार ने और शिवराज जी ने बहुत तेजी से ताकत के साथ में कदम उठाए हैं। उनको इसलिए मैंने जानकारी दी कि एक बड़ा कारण जो है नशाखोरी का वो ये भी है कि शराब के ठेकेदार अपने शराब के ठेका या आवंटित दुकान से बाहर जाके गांव में अपने चेले चमचों के माध्यम से शराब का विक्रय कर रहे हैं, वो विक्रय रोकना चाहिए, ऐसा सुझाव मैंने शिवराज जी को दिया। शिवराज जी का जो सोच है उस सोच को मजबूत करने के लिए मैंने वो सुझाव उनको दिया है, और मैं सोचता हूं कि गंभीरता के साथ शिवराज जी इस विषय पर विचार कर रहे हैं और आगे पीछे इन चीजों पर प्रतिबंध लगेगा, जिसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में मिलेगा। महाकौशल की बात करें आप, महाकौशल की तरफ से एक बड़े चेहरा रहे हैं, लगातार इसके यहाँ की सियासत को बड़े करीब से देखते आए हैं, महाकौशल की उपेक्षा पर क्या कहेंगे? कमलनाथ सरकार में यहाँ से सीएम थे, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 5 मंत्री भी थे, लेकिन इस बार महाकौशल से सरकार की बड़ी नाराजगी भी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं अनदेखी भी दिखती है, क्या ये उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ेगी? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा ना, ये सरकार कुछ विपरीत परिस्थितियों में बनी जी, और जिनको हमको साथ में लेना पड़ा वो अधिकांश जो थे मालवा अंचल के थे, तो मालवा अंचल का वजनदारी बढ़ गई और उनकी वजनदारी बढ़ी तो स्वाभाविक रूप से कम होना थी, तो महाकौशल और विंध्य की वजनदारी कम हो गई, पर वो वजनदारी जो कम हुई है मैं समझता हूँ आगे पीछे शिवराज जी मुख्यमंत्री जी जो है वो उसको कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति करेंगे। अच्छा, आपने जिस तरह से कहा कि जो उस वक्त जो घटनाक्रम हुए और 2020 में जिस परिस्थितियों में सरकार बनी और मालवांचल से ज्यादा नेता शामिल हुए थे, ये जो कांग्रेस के नेता आयात होने की जो संस्कृति बीजेपी में इस वक्त चल रही है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से अनदेखी पुराने और बड़े नेताओं की और जमीनी कार्यकर्ताओं की होती है, इसमें कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्या आपको लगता है ये जो संस्कृति चल रही है या फिर जो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी से नेता आकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, इसको किस तरह से देखते हैं आगे आने वाले समय में सियासी भविष्य के रूप में बीजेपी के भी? मैंने 2018 के में जो चुनाव हुआ वो चुनाव के बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई, बहुत थिन मेजोरिटी के साथ बनाई थी जी, और वो जब सरकार बनी और सरकार ने जिस तरीके से चलना और काम करना प्रारंभ किया तो मेरे को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था कि जिस प्रकार के दुर्दिन हमने देखे थे दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, वैसे दुर्दिन बहुत शीघ्र मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। उन दुर्जनों से बचाव के लिए एकमात्र तरीका था कि जितनी जल्दी हो सके इस कांग्रेस की सरकार की विदाई हो जाए, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, और वो मौका हम लोगों को मिल गया। अब कीमत चुकाने में कहीं ना कहीं हम लोगों का भी बलिदान चढ़ा, तो हमको वो बलिदान हमने सहर्ष दिया है, परंतु हमको इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश का जो है बर्बादी कांग्रेस के हाथों होने से बच गई और पिछले 2-2.5 साल में हमने फिर मध्य प्रदेश को उन ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया जहां ले जाने की हम लगातार 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रयास कर रहे थे। अब फिर हम लोगों ने रफ्तार पकड़ी है, मध्य प्रदेश के विकास ने रफ्तार पकड़ी है, नीचे नीचे गांव के गरीब आदमी तक की चिंता करने वाली योजनाओं को हम क्रियान्वित करा पा रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए करा पा रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना पाए हैं। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 2020 में जिन परिस्थितियों में सरकार बनी उस वक्त सरकार के सामने चुनौतियां कई थी, अब 2023 में फिर से एक बार मिशन पर लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से जो नेता आए थे वो हाथों जो जीत गए उनको फिर मंत्री पद भी दे दिया गया, कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता है जो लंबे समय से जो नेता थे उनकी बलिदान, आपने कहा कि बलिदान भी हुआ, अब 2023 में भी अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो क्या ये चुनौती होगी, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिये, कोई भी चुनाव हो, विधानसभा का या लोकसभा का, जब चुनाव सामने आता है तो एकमात्र चुनौती सामने रहती है चुनाव जीतने की, और चुनाव जीतना है तो हर एक कैंडिडेट को जीतना है, तो एक एक कैंडिडेट के सिलेक्शन के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये व्यक्ति जिताऊ हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 2023 के समय में भी जिस समय पार्टी आकलन करेगी कि किसको चुनाव लड़ाना, तब कोई गुटबाजी नहीं होगी, तब कोई बाहर से आए और अंदर वाले पुराने इन दोनों के बीच में अलग अलग अंतर नहीं किया जाएगा, जिसमें से जो भी जीतने लायक होगा उसको टिकट मिलेगी, बिना भेदभाव के टिकट मिलेगी, ताकि हम 2023 में आसानी के साथ चुनाव में जीत दर्ज करा पाएं और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बना पाएं। आपने अभी कहा विष्णु जी की 2.5 साल के दौरान 2020 से जब से बीजेपी की सरकार वापस आई, आपने कहा कि विकास के नए आयाम यहां पर गढ़े जा रहे हैं, आपने हाल ही में एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा
कि महाकौशल उड़ नहीं रहा है बल्कि फड़फड़ा रहा है, इसके क्या मायने निकाले जाएं सर? देखिए, ये हाल ही में नहीं किया है, ये काफी पुरानी बातचीत है जी। उस समय मैंने जो इस बात को कहा था, क्योंकि उस समय महाकौशल की तरफ जो है प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, पर मेरे वार्तालाप के बाद में शिवराज जी का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और पार्टी का दोनों का ध्यान वापस महाकौशल की तरफ आ गया है। इसलिए अब मैं फड़फड़ाहट की बात नहीं करता हूं, हमको सहज रूप में मिलने का समय मिल जाता है। हाँ। और मिलके समय में जो बातें हम कहते हैं सरकार उसको गंभीरता से लेती है और उन चीजों का निदान करके देती है, इसलिए अब मेरे को वो फड़फड़ाहट नजर नहीं आती है। विष्णु साहब, जैसे मैंने जिक्र किया था पहले ही सवाल में कि 50 साल का आपका सियासी अनुभव है, आपका ये अनुभव क्या कहता है? सरकार क्या वाकई 2023 के लिए, बीजेपी की सरकार क्या वाकई में 2023 के लिए तैयार है? क्योंकि अब तो जनता का सवाल करने का वक्त आ रहा है। और आप अपनी भूमिका इस चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं सर? मेरी भूमिका एक कार्यकर्ता की भूमिका है, पार्टी को जिताने वाले कार्यकर्ता की भूमिका है। 50 साल का मेरा अपना अनुभव है, ये बात सच है। सीधे पार्टी के साथ बातचीत नहीं करूंगा। 1975 में इमरजेंसी के दौरान 25 जून की पहली रात को हम लोग जेल में बंद कर दिए गए थे। तब से अब तक 48 साल पूरे हो गए हैं। निश्चित रूप से 2-4 साल का इतिहास रहा होगा, इसीलिए मेरे को 25 जून की रात को मीसा में बंद किया गया था। तो 50 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, ऐसा कह सकता हूं। जो पार्टी के साथ जुड़ाव बना वो बना जेल के दौरान, जेल में उनसे लोगों के साथ करीबी से आया। हाँ। और 77 से जेल से ही बाहर निकला तो उसके बाद लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव, फिर पार्टी संगठन के अंदर काम करते हुए लगातार पार्टी के नजदीक आता गया, करीब आता गया। पार्टी मुझको विभिन्न जवाबदारियां देती चली गई, हम लोगों ने विरोध में भूमिका अदा करी, संघर्ष की भूमिका अदा करी। तो निश्चित रूप से हम लोग क्योंकि उस संघर्ष की पैदाइश है, उस संघर्ष से निकल के ऊपर आए हैं, तो हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के नीचे से लेके ऊपर तक के उत्थान के सफर के जो है दर्शक हैं। और अकेले दर्शक नहीं है, उसके सहभागी भी हम रहे हैं। तो आज किसी भी प्रकार का नुकसान यदि हमको उसमें होता हुआ दिखता है तो दूसरों के मुकाबले हम लोगों को ज्यादा पीड़ा होती है, इसलिए हम लोग कई बार मुखर होके बोल पड़ते हैं। अच्छी बात यह है कि आज भी उस मुखरता को गलत अंदाज में नहीं लेती है हमारी पार्टी या हमारी सरकार, और हमारी उस बात को गंभीरता के साथ लेती है, जिसके कारण फिर कदम संभल जाते हैं। और अब हमको फिर ऐसा लगता है कि जितने 2.5 साल के अंदर प्रगति हुई है, जिस तेज गति के साथ सरकार ने संभल संभल के काम किया है, 2023 का चुनाव हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या टारगेट मानकर चल रहे हैं महाकौशल से भी और पूरे प्रदेश से भी? देखिये, आंकड़ेबाजी करना मेरा अपना काम नहीं है जी। मैंने तो कहा जीत जीत होती है, हार हार होती है। पिछले बार के चुनाव में हम लोगों ने देख लिया कि हमने बात चाहे जितनी लंबी चौड़ी की हो, 2-4-5 सीट से पीछे रह गए, उसके कारण सरकार पीछे रह गई। फिर सरकार बनी तो इतनी सारी मजबूरियों के साथ बनी, पर वो आज की आने वाले समय में मैं इतना कह सकता हूं कि पर्याप्त संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत के आएंगे जी। अजय विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया ABC24 के इस खास कार्यक्रम में आकर अपनी बात रखने के लिए। जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि जिस बेबाकी से आप सही को सही गलत को गलत कहते हैं, उसी बेबाकी से आपने यहां पर जवाब दिए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक अजय विष्णु जी लाइन पर थे। उनका यह कहना है कि 2023 पे एक बार फिर से सरकार बन रही है। उनकी अपनी नाराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, सही को सही और गलत को गलत कहना उनकी सियासत का अंदाज है। बहरहाल, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।